नमस्कार किसान भाइयों, आज हमने ये एक बेड बनाया। बेड बनाकर इसके ऊपर हमने ये ड्रिप लाइन बिछाई, इस प्रकार से ड्रिप लाइन बिछाई और उसको चेक किया और उसके बाद में हमने इसके ऊपर मल्च बिछाई। मल्च बिछाने के बाद में अब इसमें गर्मियों वाली सब्जी के लिए टिंडा लगा रहे हैं। देसी टिंडा लगाने का तरीका वही है, एक एक फिट की दूरी पर हम लगाएंगे इसको। ये हमने जो टिंडे का बीज लिया है, इसको रात भर हमने गोमूत्र में भिगोया कम से कम 8 से 10 घंटे, और उसके बाद में इसमें साफ पानी में धो के और हम लगा रहे हैं। लगाने का यही तरीका है, इसका जो ये तिकोना मुंह है जो बीज का, वो तो ऊपर की तरफ रहेगा और ये गोल वाला नीचे की तरफ, और इसको ज़मीन के अंदर 1 इंच दाबेंगे मिट्टी से, और मल्चिंग में इस प्रकार हम लगा रहे हैं। हम इसको एक एक फिट की दूरी पर लगा रहे हैं। हमारे मल्चिंग में 9 से 9 इंच के दूरी पर छेद है, तो हम इसको 9 से 1 फिट की दूरी पर आप लगा सकते हैं, और बेड से बेड के बीच में दूरी 5 फिट की होनी चाहिए, तब 5 फिट तक इसकी बेल जाती है। और लगाने का समय यही, आप इसको 20 जनवरी से लेकर मार्च तक लगा सकते हैं आप इसको। गर्मियों में बढ़िया चलता है, 6 से 7 दिन में ये अंकुरित होकर बाहर निकल जाता है। और हमने स्थायी रूप से इसको पानी देने की सप्लाई के लिए ड्रिप लगाई है। ड्रिप को हम 1.5 से 2 घंटा चलाएंगे इसको, जिसमें ये पूरा बेड अच्छी तरह भीग जाएगा। और बस लगाने की यही प्रोसेसिंग है। वीडियो में नहीं हो तो वीडियो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करने लेना, और मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के साथ खेती से संबंधित जानकारी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना विशेष ध्यान रखिए। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना।